तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉक्टर हाथी के बेटे का किरदार निभाने वाले कुश शाह ने 16 साल बाद छोड़ा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जी हां, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का किरदार निभाने वाले कुश शाह के फैंस के लिए बहुत बुरी खबर है। जी हां, बताया जा रहा है कि टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गोली का किरदार निभाने वाले कुश शाह ने 16 साल बाद शो को अलविदा कह दिया है। कुछ महीने पहले कुश ने शो छोड़ने की खबरों का खंडन किया था। हालांकि अब उन्होंने खुद एक वीडियो में ये जानकारी शेयर की है, जिसके बाद उनके फैंस का दिल टूट गया है। बता दें कि वीडियो में कुश ने अपने फैंस से कहा, जब ये शो शुरू हुआ आप और मैं पहली बार मिले थे, तब मैं बहुत छोटा था। आपने मुझे तब से बहुत प्यार दिया है। इस परिवार ने मुझे उतना ही प्यार दिया जितना आपने दिया है। मैंने यहाँ बहुत सारी यादें बनाई हैं, यहाँ बहुत मजा किया है। उन्होंने आगे कहा, मैंने यहाँ अपना बचपन बिताया है। मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्माता श्री असित कुमार मोदी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझ पर बहुत भरोसा किया, मेरे किरदार को इतना दिलचस्प बनाया और हमेशा मुझे इंस्पायर किया। उनके भरोसे की वजह से ही आज कुश गोली बन पाया है और घर घर में फेमस है। कुश ने तारक मेहता की पूरी कास्ट के साथ केक भी काटा। असित मोदी ने उनकी तारीफ करते हुए ये भी कहा कि गोली बचपन से ही गोकुलधाम सोसाइटी का हिस्सा रहे हैं और उन्होंने हमेशा अपने किरदार में निरंतरता बनाए रखी है। इतना ही नहीं, इसके बाद कुश काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। उन्होंने सबको प्राउड फील कराने का प्रॉमिस किया। उन्होंने अपने 16 साल के सफर को बहुत ही खूबसूरत बताते हुए नए गोली का इंट्रोडक्शन भी शेयर किया।